कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का आदाब है आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, आपको पता है कि कोरोना वायरस का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको पता है कि चीन के बाद इटली, स्पेन, अमेरिका, बहुत ज्यादा केसेस वहां पे हो चुके हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 3000 से ऊपर केसेस इंडिया में हो चुके हैं, भारत में। लेकिन कुछ जाहिल लोगों की वजह से, समझते हैं ना, जाहिल लोग क्या होते हैं, जो अभी आपने वीडियो देखा जो एक शख्स 500 के नोटों के साथ क्या कर रहा है, अपना नाक पोंछ रहा है और कह रहा है ये जो कोरोना की बीमारी है इसका कोई इलाज नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है तुम लोगों के लिए। इसका कहने का क्या मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे। ये विशेष धर्म का शख्स यानी कि दूसरे लोगों को ये बता रहा है कि आप लोगों के लिए ये अल्लाह का अजाब है, ठीक है। और दूसरी मैंने एक वीडियो और देखी जहां पे एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, बहुत सारे मुस्लिम लोग थे और उनसे ये पूछा जा रहा कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोग इकट्ठे क्यों हो रहे, मस्जिद में क्यों जा रहे हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बीमारी है ये मस्जिद में हम इकट्ठे होंगे, हम ना ही इस बीमारी से डरते हैं और ना ही मरने से डरते हैं। तो भाई तुम लोग नहीं डरते हो तो दूसरों के बारे में सोचो ना, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। तुम ऐसे इकट्ठे होंगे फिर घर जाएंगे, घर वालों को भी ये फैलाएंगे, फैमिली भी आपकी खत्म हो जाएगी ना जिस तरह से तुम लोग ये कर रहे हो। तो आप मैं लेकिन इस बात कर रहे हैं इस शख्स की जो इस बंदे ने टिकटॉक बनाया है, तो टिकटॉक वीडियो इसने बनाया, लोग इसकी वीडियो शेयर करने लगे, ये वीडियो यानी कि आग की तरह वायरल हो गया और यानी कि लोग इसकी गिरफ्तारी की बात करने लगे, इस वीडियो की आलोचना करने लगे। तो नासिक पुलिस ने जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नासिक पुलिस ने इसको धर दबोचा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा केसेस यानी कि महाराष्ट्र में हुए, 400 से ज्यादा यानी कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस हुए हैं। तो मैं बता दूं ये भी शख्स नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला है। तो कुछ जाहिल लोगों की वजह से जाहिलपन का ग्राफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोग, मैं आपको बता दूं कि अपनी जिंदगी में जिंदगी से खेल कर, पुलिस और डॉक्टर आपको पता है कि किस तरह से अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करके दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे हैं। सो गाइस अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इन लोग के साथ यानी कि क्या होना चाहिए, इनकी सोच क्या है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई भी ऐसी वीडियो बनाता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पीएम मोदी ने भी कहा है कि अफवाहें ना फैलाए, अपने घर पे रहे, जो लॉकडाउन किया है उसका पालन करे। जो पीएम मोदी ने भी आज रात को 9 बजे जो दिए जलाने का 9 मिनट तक दिए जलाने, कोई भी फ्लैश लाइट या दिए मोमबत्ती आप जलाइए, तो हम पीएम मोदी जी के साथ बिल्कुल यानी के समर्थन में हैं। सो गाइस ये छोटा सा मैसेज था मेरा और आप भी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी ऐसी वीडियो यानी के सेंड ना करे, आगे फॉरवर्ड ना करे जिसकी आपको कोई यानी के खबर ना हो, पहले उस वीडियो की जांच पड़ताल कर ले कि वो कोरोना के यानी के अफवाह ना फैले उससे। ये तो छोटा सा मेरा मैसेज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।